फिरोजाबाद के शिकोहाबाद व सिरसागंज के बीच में गणेश गार्डन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने एक मत होकर सरकार पर उपेक्षित पिछड़ा शोषित को उनकी संख्या बाल एवं सरकार बनाने के लिए सरकार के विधायक चुनाव में दिए गए वोटों की तुलना में सत्ता में हिस्सेदारी ना देने की बात स्वीकार की तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह लोधी जी के द्वारा बनाई गई क्रांति पार्टी को सशक्त एवं क्रियाशील बनाने के लिए आह्वान किया है। वक्ताओं ने एक मत में कहा, जब तक अपनी पार्टी नहीं होगी तब तक हमारी जातियों का उत्थान संभव नहीं है। सभी ने चार प्रस्ताव पारित किए, जिसमें सरकार से पिछड़ों समाजों द्वारा दिए गए वोटों के अनुपात में सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी मिलने चाहिए। पिछली शोषित क्रांति पार्टी पर निर्भर है, अतः कृषि उत्पादों को एसएसपी पर बिक्री की गारंटी होने के लिए संघर्ष एवं पिछड़ों दलितों को संविधान के अधीनस्थ आरक्षण सरकार एवं निजी कंपनियों में दिए जाएं, इन मांगों के लिए संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे। आज हुआ है और फ्यूचर में हम दादा से जाना चाहते हैं। दादा बहुत पीछे आए हैं मध्य प्रदेश से, तो इस विषय पर आप सब क्या कहना चाहते हैं? मेरा ऐसा कहना है कि लोधी समाज भारत की सबसे पुरानी जातियों में से, आदिवासी के बाद में स्वदेश में विकसित होने वाली सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो लोधी समाज ही है। और इस लोधी समाज ने ही इस देश को धर्म और संस्कृति की देश का रूप बनाया। और जो सत्यम शिवम सुंदरम का नारा आपने सुना है, वो तो नारा देने वाले हमारे जीवन की, जिनका अर्थ है सत्य को जानिए और जो सबका कल्याण करे, ऐसी नीति अपनाइए और जिसमें सबका कल्याण हो वो नीति ही सबसे सुंदर है। तो वो हमारा नारा बना सत्यम शिवम सुंदरम। इतनी अच्छी विचारधारा देने वाले हमको आज हम प्रगति का शिकार हैं, क्योंकि लोधियों से करते और अन्य विकसित हुई जातियाँ और हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने बनते चले गए और विदेश से आई हुई जातियाँ धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होती गई। हमारी और धर्म संस्कृति को उन्होंने हड़प लिया, धर्म को एक व्यवसाय का स्वरूप धारण कर लिया। परमपिता परमेश्वर को जो जगत व्याप्ती है, सर्वव्याप्ती है, उसको मंदिर में कैद कर दिया है, यानी मंदिर में रह करके भगवान ने उसका गुलाम कर दिया। इसके बाद तो भगवान को कोई गुलाम करने चलता है। ये जो विदेश आज आए हैं उन्होंने इतना बड़ा प्रसन्न हमारे साथ किया है, तो हम लोगों की ये जो मैं बात करती है कि हम जो बेघर करके विभिन्न जाति बिराजनों में फट गए हैं, इन सबको एक करके इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें और इस राष्ट्र के व्यवस्थाई दौरों को पुनः कायम करें। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।